Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Here I am going to teach you a few lectures of a subject botany D. I hope you guys enjoy. If there is any question, let me know. Okay, well, let's start. हाँ जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशंस एसिड बेस एंड कोलाइडल्स. सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, मैंने ना आप लोगों की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रा इजी लगे उसके लिए मैंने बुक के ऊपर ही सारी चीज़ें नोट कर दी हैं. ठीक है, सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एक ग्लास में पानी लेते हो, ठीक है, उस पानी में अगर आप शुगर मिक्स कर रहे हो तो जो पानी है वो ज़्यादा तादाद में है ना, शुगर तो कम होगी, तो जो चीज़ ज़्यादा तादाद में हो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे और जो चीज़ कम तादाद में हो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे. सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. ठीक है, ये मैटर की किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस की फॉर्म में भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पे टॉपिक है सॉल्यूशंस. Look at here, a homogeneous mixture of two or more substances is called solution. यानी ऐसा मिक्सचर, अब उन्होंने यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की बात की है, ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो, जिसकी कंपोजिशन सेम हो, यानी जिसमें सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों की जो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन. यानी वो चीज़ जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अमाउंट या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो मिक्स हो जाएं और वो मिक्स हो के एक हमें न्यू क्वांटिटी न्यू थिंग क्रिएट कर दे, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, कहते हैं यहाँ पे उन्होंने आगे सॉल्वेंट की डेफिनेशन और सॉल्यूट की डेफिनेशन दी हुई है. बेसिकली कहते हैं वो चीज़ जो डिज़ोल्व हो जाए उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, या जो चीज़ सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रही है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक हो गया. यहाँ पर नेक्स्ट मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है एक्वियस सॉल्यूशन. यहाँ मैंने बता दिया है सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में पाया जाएगा और सॉल्वेंट जो है वो हाई अमाउंट में पाया जाएगा. एक्वियस सॉल्यूशन बेसिकली वो होते हैं जिनमें आप कह लो कि पानी, एक्वियस मीन्स एक्वियस वर्ड जो है वो एक्वा से निकला है और एक्वा का मतलब वाटर होता है. ठीक है, अगर हम किसी भी सॉल्यूट को वाटर में ऐड कर दें, ठीक है, और वाटर को एज ए सॉल्वेंट एक्सेप्ट करें, तो वो चीज़ हमारे पास जो सॉल्यूशन नेक्स्ट वो चीज़ बनाएगी, उस सॉल्यूशन को हम एक्वियस सॉल्यूशन का नाम देंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. हमारे पास सॉल्यूशन की जो है ना फोर टाइप्स होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यहाँ पे कहा जाता है, जैसे अगर आपके पास लेबॉरेटरी में आपके पास एसिड पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है. कब तक कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, जब तक कि आपने उसमें वाटर ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर ऐड कर दोगे तो वो डाइल्यूट बन जाएगा. क्यों डाइल्यूट होगा, क्योंकि उसमें आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया. इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट की तादाद तो बहुत कम होगी लेकिन सॉल्वेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, यहाँ पे कहते हैं मैंने यहाँ पे कॉमन एग्जांपल लिखी है, शुगर इन मिल्क को भी आप कह सकते हो कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है. उसके बाद है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन विद लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अब जो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सॉल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं. डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर यही मेन डिफरेंस है आपका. उसके बाद कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड. अब इन दोनों में मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, ग्लास में आपने पानी ऐड किया, पानी आपने शुगर ऐड कर दी, एक वक्त आएगा शुगर जो है वो मिक्स होना छोड़ देगी, मतलब वो मिक्स नहीं होगी, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, उस फॉर्म को हम कहेंगे कि अब सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है. ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हो कि जो नीचे शुगर बैठी हुई है वो भी मिक्स करें हम बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे. जैसे ही हम उसको टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो नीचे वाली शुगर भी मिक्स हो जाएगी और उस फॉर्म को हम कहेंगे कि ये चीज़ क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर है, यहाँ पर आप रीडिंग करेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगी.
आगे हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वीडियो का टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ज़रा स्पीड से बात कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं। कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट्स के, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। यानी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एक ये होती है कि हमने सॉल्यूशन को अगर जो सॉल्यूट के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं, अगर हमने उनको सेपरेट करना हो तो वो मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो सकते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, ठीक है। अगर हमने इनको फिल्टर पेपर से गुजारें तो वो ईजिली सॉल्यूट जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ज़रिए पास आउट कर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करता है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होती है, ये बेसिकली ना 9-10 में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं और डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इनका मेन काम होता है कि मतलब आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, इसे आप कहते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। उसके अलावा यहाँ कहा गया है कि जो सॉल्यूशन है वो किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है वो डिफ्यूज़ कर सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यही है कि एक ऐसी वॉल जिसके अंदर पोर्स हों और उन पोर्स के ज़रिए कोई भी जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। उसके कल्स जो हैं वो हमें नेकेड आई के ज़रिए विजिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब आपने देखें जैसे शुगर है या सॉल्ट को आपने वाटर में मिक्स कर दिए, अब वो जो चीज़ मिक्स हो गई वो तो नज़र नहीं आएगी ना बीच में। फिर कहते हैं जी द सोल्यूट्स डू नॉट स्कैटर लाइट रेज, जो सोल्यूट्स हैं उसके ऊपर अगर आप लाइट रेज को अगर आप उसके ऊपर फेंको भी तो सोल्यूट जो है वो लाइट रेज को जो स्कैटर है वो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए, इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाए, उसे हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और जिनमें से नहीं गुजरेगी उसे हम क्या कहेंगे कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पे मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिखी हुई है सोडियम क्लोराइड की, कि अगर आप किसी भी जो क्या उसे कहते हैं वाटर में सोडियम क्लोराइड आप ऐड कर देते हो, उसको साथ आप इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके अंदर पास करवाते हो, तो होता यह है कि NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो करंट के ज़रिए सेपरेट होकर आयंस की फॉर्म में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में। उसके बाद इनकी कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बेसिकली एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मींस टू से यानी एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स जो हैं ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर जाती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में उन्होंने बात की है कि यहाँ पे कहते हैं जो शुगर, लिपिड, जो अल्कोहल्स हैं उनके अंदर से करंट नहीं गुजरती, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हुई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे हमने देखना है SI यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। यहाँ पे उन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं, परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। परसेंटेज किसे कहते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करें, 90 ग्राम वाटर लिया है उसके अंदर अगर हमने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया है तो हमारे पास 10% सॉल्यूशन, यानी अगर हमने किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है उसके वॉल्यूम और वेट के ज़रिए तो उसको हम यहाँ परसेंटेज के ज़रिए एक्सप्रेस कर देंगे। उसके बाद है मोलैरिटी। कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली जो है वो आपको अक्सर जो है जब आप पेपर्स देने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे पूछ लेते हैं या वाइवा वगैरह में पूछते हैं प्रैक्टिकल्स के दौरान, तो आपने इसको ज़रा अच्छे से करना है। कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब जो वन मोल्स का, मोल का मतलब क्या होगा, एक सब्सटेंस का मोल उसके मॉलिकुलर वेट के बराबर होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट करो यहाँ पर उन्होंने कॉमन एग्जांपल दी भी हुई है कि अगर शुगर का सुक्रोज का मॉलिकुलर वेट जो है वो 342.3 है तो उसका जो एक मोलर सॉल्यूशन होगा उसके अंदर 342.3 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज होंगे, तो हम अगर ऐसे ग्राम्स हों तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास वन मोलर सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि वन मोल जो है उसके मॉलिकुलर वेट के बराबर है, तो अगर उसके मॉलिकुलर वेट के बराबर ही हमारे पास उसका सॉल्यूशन पाया जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास वन मोलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है जी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी। और वही चीज़ अगर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स के अंदर ले लें तो उससे हम कहेंगे कि ये चीज़ हमारे पास किस में एक्सप्रेस हुई है, मोलैलिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस हुई है, और उस सॉल्यूशन को हम मोलल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिकली ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जिसको अगर आप तोड़ो तो उसके अंदर से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो, ठीक है। जैसे उन्होंने HCl की एग्जांपल दी हुई है, HCl को उन्होंने डिफ्यूज़ किया है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है, साथ क्लोरीन आयन रिलीज हुआ है। तो बेसिकली एसिड को
एसिड उसे ही कहा जाता है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, बेस उसे कहा जाता है जिसके जरिए OH आयन्स रिलीज हों, जैसे यहाँ पर NaOH की एग्जांपल दी हुई है, या अपने इक्वेशन साथ साथ करनी है, डेफिनेशन भी करनी है। और सॉल्ट किसे कहेंगे, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने से जो चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो है सॉल्ट। ठीक है, ये आप रीडिंग करेंगे तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। जैसे आप HCl में अगर आप क्या उसे कहते हैं NaOH प्रोड्यूस HCl और NaOH इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे ना तो हमारे पास NaCl प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि सॉल्ट है। ठीक है, आगे आपने पढ़ना है pH, मेजरिंग एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी। ठीक है, अब pH क्या होती है, कहते हैं द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज कॉल्ड इट्स pH। यानी यहाँ पे आपने करना क्या है, pH का फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप नेगेटिव लॉग ले लो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन का तो हम यहाँ पे कहेंगे कि उसकी pH हमने फाइंड की है। pH फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक pH स्केल होता है। ठीक है, और pH स्केल के ऊपर बताया जाता है कि एसिडिटी कहाँ से कहाँ तक होती है और न्यूट्रल जो चीज़ है वो कहाँ तक पाई जाती है और बेसिक चीज़ें जो हैं वो कहाँ तक पाई जाती हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस की जो pH है वो 0 से लेकर 7 के दरमियान है तो वो जो चीज़ है वो एसिड कहलाएगी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं उनकी जो pH है वो 7 से कम होती है, क्योंकि अगर वो 7 पे आएगा तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगी। वाटर की pH इसका मतलब फिर क्या होगी, 7 होगी ना। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं एसिड सॉल्यूशंस हैव pH लेस देन 7, यानी एसिड की pH जो है वो 7 से कम होती है, लेकिन जो बेसिस हैं उनको अगर देखा जाए तो 7 से आगे जितनी भी pH है वो सारे के सारे बेसिक्स में आ जाती है। यानी कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसकी जो pH है वो 7 से ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि वो चीज़ हमारे पास बेस फॉर्म में है। ठीक है, आगे यहाँ पे कहते हैं ईच होल नंबर ऑन pH रिप्रेजेंट द 10-fold चेंज। कहते हैं यहाँ पे हर जो होल नंबर यहाँ पे दिया गया है ना pH स्केल के ऊपर उसमें 10-fold का चेंज आता है, मींस टू से कि ऊपर 10 की पावर लगती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो एसिडिक है तो उसकी हाली 1 है या 2 है या 3 है, 10^1, 10^2 इस तरह से हम pH को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम पढ़ेंगे बुफर्स के बारे में कि बुफर्स क्या होते हैं, फिर इंशाल्लाह हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी साथ साथ क्लियर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।